सभी संगिनी बहनों को नमस्कार। नवजात शिशु की देखभाल एवं HBNC के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि नवजात एवं शिशु किसे कहते हैं, नवजात की जन्म से लेकर 28 दिन तक की देखभाल क्यों जरूरी है, आशा द्वारा HBNC कार्यक्रम पर फोकस करना क्यों आवश्यक है और उससे हम किस प्रकार से मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं, HBNC कार्यक्रम क्या है और उसके संशोधित दिशा निर्देश क्या हैं, नवजात की देखभाल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माँ एवं नवजात में यदि खतरे के लक्षण हैं तो उसकी पहचान कैसे करेंगे और उनका रेफरल कहाँ करेंगे। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि आशा कार्यकर्ता और संगिनी की HBNC कार्यक्रम में क्या भूमिका है। नवजात जिसे हम न्यूबॉर्न भी कहते हैं, जन्म से 28 दिन तक के शिशुओं को नवजात कहते हैं। इसी प्रकार शिशु जिसे हम इन्फेंट भी कहते हैं, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों को हम शिशु कहते हैं। प्रति 1000 जीवित जन्म के सापेक्ष होने वाली 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जन्म से लेकर 28 दिन तक के नवजात शिशुओं को अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत होती है क्योंकि इस दौरान उनकी मृत्यु की संभावना सबसे अधिक होती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, जितने भी नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है उनमें से सबसे ज़्यादा मृत्यु पहले सप्ताह में होती है, यानी कि 74.1% मृत्यु पहले सप्ताह में ही हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह में 12.6%, तीसरे सप्ताह में 10% और चौथे सप्ताह में 3%। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म के बाद का पहला घंटा, पहला दिन, पहला हफ्ता और पहला महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है शिशु के लिए, उसे विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। यदि हम 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु के कारणों की बात करें तो सबसे अधिक मृत्यु प्री मैच्योर जन्म या जन्म के समय कम वजन होने से होती है। इसके साथ ही निमोनिया और डायरिया के कारण भी अत्यधिक मृत्यु की संभावना होती है। यदि हम इन कारणों पर फोकस करें और इस पर समुदाय स्तरीय प्रबंधन करें तो हम बहुत सारी मृत्यु को रोक सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कारण हैं, जैसे गैर संचारी रोग, जन्म के समय सांस का अवरुद्ध हो जाना, प्रसव के समय चोट आ जाना, जन्मजात विकृति होना, बिना कारण या सही कारण का पता न लग पाना, एक्यूट जीवाणु संक्रमण या सेप्सिस का होना, बिना कारण के ही ज्वर होना आदि बच्चों की मृत्यु के कारण हैं। यदि हम नवजात शिशु मृत्यु के मुख्य कारणों की बात करें तो लैंसेट मिलियन डेथ स्टडी 2012 में लगभग 23.5 लाख 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों की समीक्षा की गई, जिसमें नवजात शिशु मृत्यु के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला मुख्य कारण है समय पूर्व जन्मे शिशु या प्रीटर्म बच्चे, जन्म के समय श्वास का अवरुद्ध हो जाना, सेप्सिस होना, निमोनिया होना और जन्मजात विकृति होना। निम्नलिखित उपायों को करके नवजात में होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। जन्म के तुरंत बाद उचित स्वास्थ्य देखभाल करके, जैसे प्रसव के तुरंत बाद नवजात को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके माँ का दूध पिलवाएं, ऊपर का कुछ भी ना दें, बच्चे को कम से कम 3 दिन तक ना नहलाएं, नाल पर कुछ ना लगाएं आदि। साथ ही खतरे के लक्षणों की समय पर पहचान कर रेफरल करके, नियमित फॉलोअप करके, कमजोर एवं समय पूर्व बच्चे की विशेष देखभाल तथा प्रबंधन करके नवजात की होने वाली मृत्यु की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इस हेतु प्रदेश में HBNC कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आशा द्वारा HBNC पर फोकस करना क्यों आवश्यक है? यदि हम बात करें 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की तो 1000 की जनसंख्या वाले आशा क्षेत्र में 100 से 120 बच्चे 1 से 5 वर्ष के होते हैं। यदि हम उनको उचित स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल प्रदान करते हैं तो मृत्यु दर में 10% की कमी लाई जा सकती है। इसी प्रकार 1 माह से 12 माह के बच्चे जो एक आशा क्षेत्र में होते हैं वो 25 से 30 बच्चे होते हैं, और यदि हम उनको उचित स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल प्रदान करते हैं तो हम मृत्यु दर में 29% की कमी ला सकते हैं। परंतु यदि हम नवजात यानी जन्म से लेकर 28 दिन तक के शिशु जो कि किसी भी आशा क्षेत्र में 2 से 3 होते हैं उनको उचित देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं तो हम मृत्यु दर में 61% की कमी ला सकते हैं। इसीलिए HBNC पर फोकस करना आवश्यक है। आशा द्वारा इन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण किया जाना चाहिए।
आइए अब बात करते हैं कि HBNC कार्यक्रम क्या है। HBNC से यहाँ हमारा तात्पर्य है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कार्यक्रम, जिसे हम गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम भी कहते हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रसवोपरांत माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कार्यक्रम यानी कि HBNC का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। आशा द्वारा 42 दिन तक 7 बार गृह भ्रमण कर नवजात शिशुओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य की घर पर देखभाल सुनिश्चित करवाई जाती है। इसके आशा को HBNC कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 6-7 पर 4 चरणों में 5-5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आशाओं ने मॉड्यूल 6-7 के प्रथम चरण का प्रशिक्षण लिया है और जिन्हें HBNC किट प्राप्त हुई है, उन आशाओं द्वारा नवजात शिशु के घरों का भ्रमण किया जाता है। HBNC प्रशिक्षण प्राप्त आशाओं को HBNC किट प्रदान किया जाता है, जिसमें निम्न सामग्री होती है: वजन मशीन तुला वाली, डिजिटल थर्मामीटर तापमान मापने के लिए, डिजिटल घड़ी बच्चों की स्वास्थ्य की गणना करने के लिए, कम्बल बच्चों को लपेटने के लिए और बैग। उसके साथ साथ HBNC प्रपत्र भी दिए जाते हैं, जिसमें वह गृह आधारित नवजात की देखभाल करके जानकारी भरती है। HBNC कार्यक्रम के अंतर्गत आशा द्वारा की जाने वाली रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग इस प्रकार से है: आशा को अपने क्षेत्र में जन्मे सभी नवजात शिशुओं का गृह आधारित देखभाल के गृह भ्रमण प्रपत्र 1 को भरना है। इसके बाद आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान भरे गए प्रारूप 1 व सभी सूचनाओं का संकलन करके प्रारूप 2 पर आशा संगिनी के माध्यम से एनम को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रदान करना है। एनम प्रारूप 3 पर आशाओं की रिपोर्ट को संकलित कर प्रारूप 1 व 2 सहित प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक माह की 30 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करती है। आशा द्वारा नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर भ्रमण करने को बढ़ावा देने के लिए HBNC के दिशा निर्देशों में कुछ संशोधन किए गए हैं, जो इस प्रकार से है: यदि शिशु का जन्म घर पर हुआ है तो आशा द्वारा नवजात शिशु के घर का भ्रमण जन्म के तत्काल बाद 24 घंटे के भीतर और दूसरे दिन भी करना है। साथ ही शिशु की देखभाल के लिए पहले, तीसरे, सातवें, चौदहवें, 21वें, 28वें और 42वें दिन उसके घर का भ्रमण आशा द्वारा अवश्य किया जाना है। यदि शिशु का जन्म चिकित्सा केंद्र या अस्पताल में हुआ हो तो आशा माँ एवं परिवार के सदस्यों को कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल में रहने के लिए प्रेरित करें। संस्थागत प्रसव की दशा में आशा द्वारा लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज होने अर्थात संस्था से वापस लौटने के 24 घंटे के भीतर नवजात का गृह भ्रमण किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य भ्रमण यथावत ही रहेंगे, यानी कि तीसरे, सातवें, चौदहवें, 21वें, 28वें, 42वें दिन का भ्रमण जिस प्रकार से पहले कर रही थी उसी प्रकार से आशा द्वारा किया जाना है। आशा द्वारा बीमार नवजात शिशुओं एवं कम वजन के बच्चों का SNCU, NBSU से डिस्चार्ज होने के 24 घंटे के भीतर गृह भ्रमण किया जाना है एवं डिस्चार्ज होने से 7 दिन तक आशा द्वारा प्रतिदिन गृह भ्रमण किया जाना चाहिए। संशोधित वित्तीय निर्देश इस प्रकार से हैं: आशा को HBNC हेतु प्रदान किए जाने वाली कुल ₹250 की प्रोत्साहन राशि को गृह भ्रमण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। आशा को प्रथम भाग ₹150 की प्रोत्साहन राशि 24 घंटे के भीतर के भ्रमण, तीसरे एवं सातवें दिन के भ्रमण पर देय होगी। द्वितीय भाग ₹100 की प्रोत्साहन राशि शेष भ्रमण 14वें, 21वें, 28वें एवं 42वें दिन पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। यह निर्देश गृह प्रसव एवं संस्थागत प्रसव दोनों के लिए मान्य होगा। HBNC भ्रमण सुनिश्चित करने के लिए आशा में निम्न कौशल आवश्यक रूप से होने चाहिए: पहला है हाथ धोना, दूसरा वजन लेना, तीसरा तापमान मापना, चौथा है हाइपोथर्मिया से बचाव हेतु कम्बल में लपेटना, इसी प्रकार स्वास्थ्य के संक्रमण के पहचानने हेतु सांसों की गणना करना, KMC देकर कम वजन के बच्चों का प्रबंधन करना, माँ एवं बच्चे में खतरे के लक्षणों की पहचान कर तुरंत रेफरल करना। उपरोक्त कौशल आशा के पास हो
होने चाहिए जिससे कि वह HbA1c भ्रमण को प्रभावी रूप से सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हाथ धोने के 6 चरण होते हैं जिसे कि आशा को गृह भेंट के दौरान अनुसरण करना है और लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों को भी यह परामर्श देना है कि जब भी बच्चे को लें तो उससे पहले हाथ को साबुन और पानी से अवश्य अच्छी प्रकार से ये 6 चरणों को पालन करते हुए धोएं। दूसरा मुख्य कौशल है नवजात का वजन लेना। जन्म के बाद शिशु का वजन मापना ज़रूरी होता है क्योंकि जन्म के समय के वजन के आधार पर ही शिशुओं की विशेष देखभाल निर्धारित की जाती है। ऐसे नवजात जिनका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से कम होता है उन्हें कम वजन वाले शिशु कहते हैं। सामान्यतः समय पूर्व जन्मे शिशुओं का जन्म के समय वजन कम होता है और इनमें मृत्यु की संभावना भी अधिक होती है। यदि शिशु का वजन 1800 ग्राम से कम है तो तत्काल SNCU रेफर करने की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु का वजन मापने के लिए भार तौलने की रंग संकेत युक्त विशेष मशीन का प्रयोग करना अच्छा रहता है जो शिशु के वजन को हरे, पीले या लाल रंग में दिखाती है। आइए अब जानते हैं कि नवजात का वजन किस प्रकार से आशा को लेना है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आशा को कपड़े की झोली को कांटे के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद तुला के ऊपर लगे हैंडल को पकड़कर तराजू को जमीन के ऊपर उठाएं और तराजू की घुंडी को आंखों के एकदम सामने रखना है। पेच को इतना घुमाएं कि पेच का ऊपरी भाग लाल निशान को ढक ले और 0 दिखने लगे। कपड़े की जो झोली है उसको हुक से निकालें और फर्श पर साफ कपड़े पर बिछा लें। शिशु का सही वजन जानने के लिए उसे कम से कम कपड़े पहनाकर झोले में रखें और झोले की दोनों रस्सियां पकड़कर हुक पर चढ़ा दें। तराजू के ऊपर लगे हैंडल को ध्यान से पकड़े रहकर धीरे धीरे खड़े हो झोला और उसमें रखे शिशु सहित तराजू को ऊपर उठाना है जब तक कि घुंडी आपकी आँखों के सामने ना आ जाए। जैसे ही आपके आंखों के सामने घुंडी आ जाएगी आपको वजन पढ़ना है। शिशु सहित झोले को धीरे से फर्श पर रखकर और झोले को हुक से निकालेंगे। शिशु को झोले में से निकालें और उसकी माता को दे दें और जो भी वजन आया है उसको दर्ज करें और साथ ही माँ एवं परिवार के सदस्यों को भी बताएं कि बच्चे का वजन कितना है। यदि बच्चा कम वजन है तो उसे किस प्रकार से कंगारू मदर केयर दिया जाना है, स्तनपान किस प्रकार से कराना है, यदि रेफरल की आवश्यकता है तो उसे रेफर करें। तीसरा मुख्य कौशल जो HbA1c भ्रमण में आशा के लिए आवश्यक है वह है नवजात का तापमान मापना। आइए जानते हैं कि नवजात का तापमान किस प्रकार से लेंगे। सबसे पहले थर्मामीटर को उसके केस से निकालें, चौड़े छोर से पकड़ें और चमकीले किनारे को स्प्रिट की भीगी रुई से साफ करें। थर्मामीटर को ऑन करके गुलाबी बटन दबाएं। आपको थर्मामीटर में बनी खिड़की में 188.8 चमकता दिखेगा। जिसके बाद डैश, उसके बाद पिछली बार लिया गया तापमान, उसके बाद 3 ... और ऊपरी दाहिनी किनारे पर F दिखाई देगा। थर्मामीटर को सीधा पकड़ें और चमकीले किनारे को शिशु की बगल में लगाएं। भुजा को बगल में सटाकर पकड़ें, ऐसे ही रहने दें, स्थिति को बदलें नहीं। जब थर्मामीटर तापमान दर्ज कर रहा होगा तो आपको प्रत्येक 4 सेकंड पर बीप की आवाज़ सुनाई देगी। जब आपको बीप की लगातार 3 छोटी आवाज़ें सुनाई दे तो थर्मामीटर को देखें। जब F चमकना बंद हो जाए और नंबर स्थिर हो जाए तो थर्मामीटर निकाल लें। जो भी तापमान शिशु का आया है उसे माँ एवं परिवार के सदस्यों को बताएं और स्वयं भी अपने पास नोट करें। नवजात के सांसों की गणना करना HbA1c कौशल का एक मुख्य भाग है। आशा किस प्रकार से जानेगी कि नवजात की सांसें सामान्य हैं या असामान्य हैं? यदि नवजात शिशु 1 मिनट में 59 सांस ले रहा है तो इसका मतलब है शिशु की सांसें सामान्य हैं। यदि नवजात शिशु 1 मिनट में 60 या 60 से ज़्यादा सांसें ले रहा है तो इसे हम तेज सांसें मानेंगे या असामान्य है। सांसों की गणना करने में आशा को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सांसें गिनने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि शिशु रो ना रहा हो या स्तनपान ना कर रहा हो। सांसों की गिनती के लिए छाती को खुला रखें।
HBNC किट में दिए गए डिजिटल घड़ी का उपयोग 1 मिनट हुआ या नहीं यह देखने के लिए करें और उसी से सुनिश्चित करें कि 1 मिनट में कितनी सांसें नवजात ले रहा है। सांसें पूरे 1 मिनट तक गिननी है। कम से कम 2 बार सांसों की गिनती करके ही निर्णय लें कि सांसें सामान्य हैं या तेज हैं। अभी तक हमने जाना कि आशा के पास क्या क्या आवश्यक कौशल होने चाहिए गृह आधारित नवजात की देखभाल के लिए। आइए जानते हैं कि आवश्यक नवजात देखभाल क्या है और आशा को किन बातों का परामर्श देना चाहिए जब भी वह गृह भेंट के लिए जा रही है। सबसे पहली बात आशा को लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों को यह बतानी है कि बच्चे को साबुन पानी से हाथ धोकर ही छूना है। आशा स्वयं भी इसका अनुसरण करे और माँ को भी हाथ धोने के तरीके को बताए। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद नहीं नहलाना है। कम से कम बच्चे को 3 दिन तक ना नहलाएं। यदि कम वजन का बच्चा है तो उसे 7 दिन तक नहीं नहलाना है। बच्चे को साफ सूखे कपड़े में से पोंछकर और उसको साफ सूखे कपड़े में लपेट कर रखें। नाल पर कुछ ना लगाएं। शिशु को माँ की त्वचा के संपर्क में रखें। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद माँ का ही दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चे का वजन करें। यदि प्री मच्योर या कम वजन का बच्चा है तो उसे SNCU या NBSU तत्काल रेफर करेंगे। माँ एवं परिवार के सदस्यों को यह सलाह दें कि नवजात शिशु को केवल 6 माह तक माँ का ही दूध पिलाएं। ऊपर का शहद, घुट्टी, पानी, बकरी का दूध, गाय का दूध उसे कुछ भी नहीं देना है। इसके साथ साथ आशा यह भी सुनिश्चित करेगी कि यदि बच्चे का जन्म संस्थागत हुआ है तो नवजात शिशु को इंजेक्शन विटामिन के दिया जाना चाहिए। खासकर कि जो प्रीटर्म वाले बच्चे हैं उनको विटामिन के का इंजेक्शन अवश्य मिल जाए। आशा यह भी सुनिश्चित करे कि नवजात शिशु को जन्म के समय जो आवश्यक टीके यानी कि BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी दिया जाना है वो भी उसको मिल जाए। आशा को HBNC भ्रमण के दौरान नवजात और माँ में होने वाले खतरे के लक्षणों की पहचान कर उन्हें रेफरल भी करना है। तो आइए जानते हैं कि नवजात में क्या क्या खतरे के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि यदि शिशु अत्यधिक रो रहा है और सुस्त पड़ जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई दिक्कत हो सकती है। बच्चा जो भी स्तनपान कर रहा है वो उल्टी कर दे रहा है या कुछ भी ठीक से पी नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में भी बच्चे को कोई जटिलता हो सकती है। या बच्चे को अत्यधिक बुखार है या शरीर ठंडा पड़ रहा है तो भी बच्चे में खतरे के लक्षण हो सकते हैं। यदि शिशु का तापमान 99 डिग्री फॉरेनहाइट यानी कि 37.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो शिशु को ज्वर है। यदि नवजात के शरीर का तापमान 95.9 डिग्री फॉरेनहाइट या 35.4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसका मतलब है कि बच्चे को ठंडा बुखार यानी कि हाइपोथर्मिया हो सकता है, उसको तत्काल रेफर किया जाना चाहिए। इसके अलावा पसली चलना, सांस लेने में कठिनाई के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ आना या तेज सांसें चलना 60 प्रति मिनट या अधिक सांसें होने पर भी खतरे के लक्षण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाल के आसपास लाल होना, मवाद आना, आँख में संक्रमण आदि का होना भी नवजात में खतरे के लक्षण हो सकते हैं। यदि बच्चे को पीलिया है या उसे झटके आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसको तत्काल रेफर किया जाना चाहिए। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बीमार बच्चों को एम्बुलेंस द्वारा 102-108 के माध्यम से अस्पताल लाने ले जाने की सुविधा जननी शिशु रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है। जब भी आप गृह भेंट के लिए जा रहे हैं तो परिवार एवं लाभार्थी को इसके बारे में अवश्य बताएं, जिससे वो इसका लाभ उठा सकें और समय से अस्पताल पहुँचकर उचित उपचार ले सकें। बीमार नवजात बच्चों की ट्रैकिंग के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में आशा संगिनियों को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन प्रतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है, जो निम्न गतिविधियों को संचालित करने के बाद संगिनी को देय होगी।
पहली है, संगिनी को अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बीमार और अधिक जोखिम वाले शिशुओं, उनमें भी जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले एमएसएनसीयू से डिस्चार्ज शिशु को फॉलो अप करने पर अधिकतम मासिक प्रोत्साहन राशि ₹150 देय होगी। इसी प्रकार संगिनी के क्षेत्र में यदि उसकी आशाओं द्वारा बीमार नवजात को HBNC भ्रमण के दौरान रेफर किया जाता है या NRC से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप सुनिश्चित किया जाता है तो भी संगिनी को अधिकतम मासिक प्रोत्साहन राशि ₹100 देय होगी। आइए अब नवजात में होने वाले कुछ और खतरे के लक्षणों की पहचान एवं प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नवजात में होने वाले बर्थ एस्फिक्सिया, जिसे हम सांस में घुटन भी कहते हैं। सांस में घुटन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? यदि शिशु जन्म के समय रोता नहीं है, बहुत धीमी आवाज़ में रोता है या सांस नहीं लेता है या बहुत धीमे सांस ले रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया है और अधिकतर मृत्यु का जो कारण देखने को मिलता है जन्म के तुरंत बाद वो बर्थ एस्फिक्सिया ही होता है, जिसे हमें समय से पहचान कर उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्या कारण हो सकते हैं बर्थ एस्फिक्सिया के? प्रसव में अधिक समय लगना, प्रसव कठिनाई से होना, प्रसव समय से पूर्व होना यानी प्रसव 8वां 14 दिन से पहले हो जाना, पानी की झिल्ली यदि फट गई हो और द्रव की मात्रा कम रह गई हो, एमनियोटिक द्रव जो है वो पीला या हरा और गाढ़ा हो, प्लेसेंटा पहले बाहर आया हो या शिशु की गर्दन की चारों तरफ कस के लिपटा हुआ हो। शिशु का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ जब उसका सिर पहले बाहर नहीं आया और पहले उसका पैर बाहर आया, तो ऐसी स्थिति में सांस में घुटन हो सकता है नवजात में। यदि सांस में घुटन होती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं? जन्म के समय शिशु मृत हो सकता है, उसकी जन्म के तत्काल या कुछ दिनों बाद मृत्यु हो सकती है, बच्चा दूध पीने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे नवजात यदि जीवित भी रह जाते हैं तो उनमें मंद बुद्धि होने की संभावना अधिक होती है, मिर्गी के दौरे पड़ना, मांसपेशियों में ऐठन होना, चलने तथा हाथ पैर हिलाने में कठिनाई की संभावना अधिक होती है। नवजात में होने वाली शिशुओं की मृत्यु का एक मुख्य कारण है संक्रमण होना, जिसे हम सेप्सिस भी कहते हैं। नवजात शिशुओं में यह फेफड़ों, मस्तिष्क और रक्त में हो सकता है। संक्रमण की पहचान किस प्रकार से करेंगे? शिशु के हाथ पैर शिथिल हो गए हो, दूध पीना बंद कर दिया हो, छाती में धसाव हो रहा हो, बुखार हो, छूने से ठंडा महसूस हो तो नवजात शिशु को तत्काल चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। क्या कारण हो सकते हैं सेप्सिस के? माता को गर्भ या प्रसव के दौरान संक्रमण हुआ हो, प्रसव के समय स्वच्छता न रखने के कारण भी संक्रमण हो सकता है, समय से पूर्व जन्मा या जन्म के समय नवजात का वजन 2000 ग्राम से कम हो, प्रसव के पश्चात ठंड में रहने से शिशु कमज़ोर हो गया हो, शिशु को ठीक से स्तनपान न कराने के कारण वह कमज़ोर हो गया हो और उसे शीघ्र और केवल स्तनपान न कराया गया हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसे कोई भी प्रकार का संक्रमण हो, ये कारण हो सकते हैं नवजात में संक्रमण होने के। संक्रमण के उपचार के लिए समुदाय स्तर पर क्या कर सकते हैं? माता पिता को शिशु के इलाज के लिए निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने की सलाह दें। यदि वह ना जाना चाहे या जाने में असमर्थ हो तो उन्हें उपकेंद्र पर कार्यरत एनम दीदी के पास प्रारंभिक उपचार के लिए अवश्य भेजें। यदि यह भी संभव न हो तो पूरे समय के जन्मे नवजात शिशु को 1/4 चाय के चम्मच कोट्राइमोक्साजोल घोल दिन में 2 बार 7 दिनों तक, उसी प्रकार समय पूर्व जन्मे शिशुओं को 10 दिनों तक ये दिया जाना है। शिशु को चिकित्सा केंद्र कब भेजा जाना चाहिए? यदि शिशु को स्तनपान करने में कठिनाई हो रही हो, 24 घंटे तक एंटीबायोटिक देने के बाद भी शिशु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, पहले दिन पीलिया दिखाई दे या पीलिया 14 दिनों के बाद भी कम ना हो, साथ ही नाक मुंह या मलद्वार से रक्त स्राव हो, ऐठन या दौरे पड़ते हों, 24 घंटे तक गर्माहट देने के बाद भी शरीर का तापमान 95 डिग्री फॉरेनहाइट से कम बना रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चे को तत्काल चिकित्सा केंद्र भेजना चाहिए। आइए अब बात करते हैं श्वास में संक्रमण की, जिसे हम
ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? शिशु को यदि खांसी है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो पूछें कि ऐसा उसे कब से हो रहा है। कोई भी खांसी या बुखार यदि 3 दिनों से ज़्यादा समय से हो रहा है तो उसे तत्काल अस्पताल भेजना चाहिए। श्वास में संक्रमण होने पर शिशु की छाती का अंदर की ओर धसाव आपको किस प्रकार से देखना है? शिशु को खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो, यदि उसकी छाती में अंदर की ओर धसाव है तो शिशु को निमोनिया हो सकता है। 1 वर्ष से कम उम्र का शिशु जब सामान्य स्थिति में सांस लेता है और जब वह सांस अंदर खींचता है तो उसकी पूरी छाती, ऊपरी तथा निचला हिस्सा तथा उदर का भाग बाहर की ओर निकलते हैं। बच्चे में छाती का धसाव होता है तब शिशु के सांस अंदर खींचने पर छाती का निचला हिस्सा अंदर की ओर जाता है। छाती में किसी भी प्रकार का धसाव होने पर शिशु को हमें तत्काल अस्पताल भेजना चाहिए। इसी प्रकार नवजात में यदि बुखार है तो उसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे और क्या उपचार करेंगे? यदि शिशु का तापमान 99 डिग्री फॉरेनहाइट यानी कि 37.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो शिशु को ज्वर है। यदि गर्मियों के मौसम में शिशु का तापमान बढ़ जाए तो निम्नलिखित तरीके से यह जांच करें कि अधिक तापमान अधिक कपड़े पहनाने से है या उसे वास्तव में बुखार है। शिशु को खोलें, उसकी टोपी उतार दें, खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि शिशु को थोड़ी हवा मिल सके, ठंडक मिले। माता से स्तनपान कराने को कहें। यदि कमरे में गर्मी फैलाने वाला कोई भी स्रोत है, कोई भी कोयला जलाया है या लकड़ी जलाई हुई है तो उसे बंद करवा दें। 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें और शिशु का तापमान दोबारा मापें। यदि दोबारा मापने पर भी तापमान बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है ज्वर है। यदि तापमान सामान्य हो जाता है तो फिर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि शिशु का तापमान सामान्य हो जाए तो माता को आपको समझाना है कि अधिक गर्मी के मौसम में शिशु को अधिक कपड़े पहनाने या गर्म कपड़ों में लपेटने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि उपाय अपनाने के बाद भी शिशु के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो तो शिशु को तत्काल उपचार के लिए रेफर किया जाना चाहिए। आइए अब नवजात में होने वाले हाइपोथर्मिया यानी कि ठंडेपन को किस प्रकार से पहचान करेंगे और क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हाइपोथर्मिया क्या है? यदि नवजात के शरीर का तापमान 95.9 डिग्री फॉरेनहाइट या 35.4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वह ठंडा बुखार यानी कि हाइपोथर्मिया हो सकता है। अतः जन्म के बाद शिशु के कमरे का तापमान इतना होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति को उसमें गर्मी लगे। हाइपोथर्मिया क्यों होता है? जब प्रसूति कक्ष बहुत ठंडा होता है, शिशु को जन्म के तुरंत बाद सुखाया नहीं जाता है, शिशु को माँ से दूर रखा जाता है, शिशु को पर्याप्त कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं या कमरे में उचित गर्माहट नहीं होती है या शिशु को नहला दिया जाता है, ऐसी स्थिति में हाइपोथर्मिया यानी कि ठंडा बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंडा पड़ने की संभावना किन बच्चों को अधिक होती है? यदि बच्चा कम वजन वाला है या बीमार शिशु है या जन्म के तुरंत बाद का बच्चा है और उसे कपड़े में नहीं लपेटा गया है तो ऐसे बच्चों को ठंड लगने की संभावना अधिक होती है। आइए अब जानते हैं कि यदि नवजात शिशु का शरीर ठंडा पड़ रहा है तो क्या करेंगे। कमरे के तापमान को बढ़ाएंगे, उसे कपड़े और टोपी पहनाएं, गर्म कपड़े में लपेटें और उसे माता के निकट लिटाएं। शिशु को माँ के शरीर से चिपका कर रखें और कमर और छाती पर कपड़ा गर्म करके रखें। क्योंकि शिशु की त्वचा बहुत कोमल होती है, नाजुक होती है, तो इतना अधिक गर्म कपड़ा नहीं रखना है जिससे शिशु की त्वचा जल जाए। गर्म कपड़ा कमर और छाती पर तब तक रखना है जब तक शिशु का तापमान सामान्य ना हो जाए। शिशु को स्तनपान जारी रखें ताकि उसका रक्त शर्करा का स्तर कम ना हो। कम तापमान से ग्रस्त शिशु में सामान्य रूप से रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि माँ लगातार उसको थोड़ी थोड़ी देर पर स्तनपान कराती रहे और अपनी त्वचा से चिपका कर रखे। आशा को गृह भेंट के दौरान माँ एवं परिवार के सदस्यों को इन खतरे के लक्षणों के बारे में अवश्य बताना चाहिए और ऐसे लक्षण होने पर उसे कहाँ जाना है इसके बारे में भी अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं कि यदि बच्चे में खतरे के लक्षण हैं तो उन्हें कहाँ रेफ़र किया जा सकता है।
रेफ़र करने के लिए दो तरह की यूनिट है। पहली है NBSU यानी कि न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, दूसरी है SNCU जिसे हम सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट भी कहते हैं। यदि हम NBSU की बात करें तो ये चार बिस्तरीय यूनिट होती है जो कि मैटरनिटी वार्ड के नज़दीक होती है और थोड़े समय के लिए कम वजन या बीमार बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर रखा जा सकता है। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की यदि बात करें तो यह 12 बिस्तरीय यूनिट होती है जो कि लेबर रूम के नज़दीक होता है और जहाँ बीमार नवजात बच्चों को विशेष चिकित्सकीय देखभाल प्रदान की जाती है। कोई भी फैसिलिटी जहाँ पर 3,000 से ज़्यादा प्रतिवर्ष डिलीवरी होती है वहाँ इस यूनिट का होना अनिवार्य है। सभी जिला अस्पताल इस क्राइटेरिया में आते हैं। NBSU और SNCU में जो सेवाएं दी जाती हैं आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। NBSU में जन्म के समय जो सेवाएं दी जाती हैं वो है संक्रमण से बचाव के लिए, नवजात को गर्म रखना, नवजात को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाना, रिससिटेशन करवाना, नवजात का वजन करना, यदि बच्चा सामान्य है तो उसको स्तनपान और फीडिंग का सपोर्ट दिया जाता है। यदि बच्चा बीमार है यानी कि कम वजन के बच्चों का प्रबंधन वहाँ पर किया जाता है। 1800 ग्राम से अधिक वजन का यदि बच्चा है और कोई अन्य जटिलता नहीं है तो ऐसे बच्चों का प्रबंधन NBSU में किया जा सकता है। हाइपर बिलीरुबिनेमिया होने पर नवजात को फोटोथेरेपी के लिए सुविधा वहाँ पर मिल जाती है। नवजात में यदि किसी प्रकार का संक्रमण है तो उसका प्रबंधन हो जाता है। बीमार बच्चों को स्टेबलाइज करके रेफ़र करना, इसके साथ ही टीकाकरण सेवाएं भी वहाँ पर दी जाती हैं। SNCU में भर्ती के मानक क्या क्या हैं? SNCU में जिन बीमार बच्चों को भर्ती किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 1800 ग्राम या उससे कम वजन है तो ऐसे नवजात शिशुओं को SNCU में भर्ती किया जाता है। इसके अतिरिक्त 34 सप्ताह से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं को जन्म के समय 4000 ग्राम या उससे अधिक वजन के यदि नवजात शिशु है, यदि जन्म के समय या बाद में सांस न ले पाने या सांस लेने में समस्या है, स्तनपान करने में अक्षम है शिशु, सांस सामान्य से तेज है यानी कि प्रति मिनट 60 या उससे अधिक सांसें हैं, सांस का उखड़ना, गंभीर पीलिया, जन्म के 24 घंटे के अंदर या 14 दिन के बाद भी हथेली एवं तलवों में पीलापन दिखाई दे, ठंडा बुखार हो, 97 डिग्री फॉरेनहाइट से कम है शरीर का तापमान, यदि बच्चे को बुखार है, यदि तापमान 99 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक है, दौरा पड़ना या सुस्त हो जाना, शरीर नीला पड़ना, पेट का फूलना, दस्त और पेचिश, मल में रक्त आना, जन्मजात विकृति यानी होंठ कटा होना, तालू चिपका होना, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होना, सर में गांठ होना आदि होने पर ऐसे नवजात बच्चों को SNCU में भर्ती किया जाता है और वहां पर उनका उचित प्रबंधन किया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद समुदाय स्तर पर उनका समय समय से फॉलोअप किया जाता है। प्रसव के बाद नवजात के साथ साथ माँ में भी खतरे के लक्षण हो सकते हैं, तो जब भी आप गृह भेंट के लिए जा रही हैं तो माँ एवं परिवार के सदस्यों को अवश्य ही माँ में होने वाले खतरों के लक्षणों के बारे में बताएं जिससे कि उसका समय से प्रबंधन किया जा सके। क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, 24 घंटे में 5 से अधिक महिला पैड बदल रही है तो ऐसी स्थिति में उसे तत्काल रेफर किया जाना चाहिए। यदि उसे सफ़ेद बदबूदार स्राव हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो ऐसे लक्षण दिखने पर उसे तत्काल रेफ़र किया जाना चाहिए। साथ ही यदि महिला को तेज बुखार है, पेशाब करने में दिक्कत या दर्द हो रहा है, सिर दर्द और धुंधला दिखाई दे रहा है तो ऐसी कोई भी स्थिति होने पर भी महिला को तत्काल रेफ़र किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि महिला को झटके आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं या पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो ऐसी स्थिति में भी महिला को तत्काल रेफर किया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि कौन सी समस्या होने पर कहाँ जाना उचित होगा महिला के लिए। तो यदि महिला में प्रसव के बाद प्रसव मार्ग में पीड़ा है, पेशाब न कर पा रही हो या पेशाब में जलन हो रही है, पेट के निचले भाग में दर्द है या शिशु को स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही है तो ऐसी स्थिति में महिला को तत्काल 24/7 जो PSC है वहाँ पर रेफ़र किया जाना चाहिए और वहाँ पर उपचार लिया जाना चाहिए।
इसी प्रकार यदि महिला के योनि से अत्यधिक रक्त स्राव हो रहा है, मलमूत्र नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, योनि से बदबूदार सफ़ेद स्राव है, सांस लेने में कठिनाई है, नज़र धुंधला पड़ रही है, दौरे पड़ रहे हैं, बुखार होना या बेहोशी है, तो उसे तत्काल FRU यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट या जिला चिकित्सालय रेफर किया जाना चाहिए। गृह आधारित नवजात की देखभाल में आशा की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। आशा को गृह भ्रमण के दौरान नवजात की उचित देखभाल की सलाह देनी चाहिए। जन्म के 24 घंटे के भीतर भीतर आशा द्वारा गृह भेंट सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि संस्थागत प्रसव हुआ है तो जैसे ही महिला डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रही है, उसके 24 घंटे के अंदर आशा द्वारा भ्रमण सुनिश्चित हो जाना चाहिए। आशा HBNC के दिशा निर्देश के अनुसार हाथ धोना, वजन या तापमान लेना, सांसों की गणना करना, खतरे के लक्षणों की पहचान आदि करना है और आवश्यकता अनुसार माँ एवं परिवार के सदस्यों को जाकर सलाह देनी है। साथ ही यदि बच्चे का वजन 1.8 किलोग्राम से कम है या वजन नहीं बढ़ रहा है या अन्य कोई खतरे के लक्षण हैं तो ऐसे बच्चों को SNCU या नज़दीकी स्वास्थ्य इकाई पर रेफर करें। कम वजन के बच्चे को पूरे दिन में लगभग 6 से 8 घंटे कंगारू मदर केयर देने हेतु माँ एवं परिवार के सदस्यों को सलाह दें। कंगारू मदर केयर के बारे में हम अगले सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही परिवार नियोजन के साधनों के बारे में बताएं और अपनाने के लिए प्रेरित करें। जब भी गृह भेंट के लिए आशा जा रही है तो लाभार्थी के साथ साथ परिवार के सदस्यों से भी इसके बारे में अवश्य बात करें। आशा संगिनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि गृह भ्रमण के दौरान आशा की जानकारी के स्तर एवं कौशल का संगिनी द्वारा अवलोकन किया जाए और आवश्यकता अनुसार उसे सहयोग प्रदान किया जाए। क्लस्टर मीटिंग और AAA मीटिंग यानी कि उपकेंद्र स्तरीय बैठकों के दौरान आशा को इससे संबंधित जो भी जानकारी है वह प्रदान की जाए, जो भी दिशा निर्देश हैं उसके बारे में उनको उन्मुख किया जाए। ऐसे परिवार जो सेवा लेने के लिए मना कर रहे हैं उन्हें सेवा लेने के लिए आशा के साथ जाकर प्रेरित करें और उन्हें मोबिलाइज करने में आशा को सहयोग करें। अगर वजन लेने वाली मशीन, थर्मामीटर, डिजिटल घड़ी काम नहीं कर रही है तो इसकी सूचना ब्लॉक पर दें जिससे कि उसे तुरंत बदला जा सके। आशा संगिनी की मासिक बैठक के दौरान नवजात की देखभाल, खतरे के लक्षणों की समय से पहचान एवं रेफरल के बारे में अवश्य चर्चा करें। आशा द्वारा 24 घंटे के भीतर किए जाने वाले HBNC भ्रमण को फोकस करें और उसको बढ़ावा दें। आइए अब पूरे सत्र में हमने जो कुछ भी सीखा है उसको एक क्विज के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उन प्रश्नों के विकल्प में से एक सही उत्तर है जिसे चुनना है और सही उत्तर बताना होगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हमारे प्रदेश में सबसे अधिक नवजात की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं, प्री मैच्योर या कम वजन के बच्चे का जन्म होना, स्तनपान करने में कठिनाई होना, संक्रमण होना, बुखार होना। सही उत्तर है, हमारे प्रदेश में सबसे अधिक नवजात की मृत्यु प्री मैच्योर या कम वजन के जन्मे बच्चों के कारण होती है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, प्री मैच्योर जन्म किसे कहेंगे? विकल्प इस प्रकार से हैं, 8 माह 14 दिन से पहले जन्मे शिशु, 40 सप्ताह पर जन्मे शिशु, 20 सप्ताह पर जन्मे शिशु, 9 माह पूरा होने से पहले जन्मे शिशु। सही उत्तर है, 8 माह 14 दिन से पहले जन्मे शिशु प्री मैच्योर जन्म कहे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, SNCU में किन बच्चों को भर्ती किया जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, अति कम वजन के बच्चे, कटे फटे होठ या जन्मजात विकृति वाले बच्चे, या सांस लेने में जिन्हें दिक्कत है ऐसे बच्चे, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा नवजात में होने वाला खतरे का लक्षण नहीं है? विकल्प इस प्रकार से है, तेज सांस चलना, शरीर का ठंडा पड़ना, पेशाब में जलन होना, कुछ भी पी नहीं पाना। सही उत्तर है, पेशाब में जलन होना नवजात में खतरे के लक्षण नहीं है। प्रश्न 5 इस प्रकार से है, यदि प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर आशा द्वारा भ्रमण सुनिश्चित करने पर नवजात की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है? विकल्प इस प्रकार से हैं,
लगभग 31% की, लगभग 51% की, लगभग 21% की और लगभग 61% की। इसका सही उत्तर है लगभग 61% की कमी मृत्यु दर में लाई जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संगिनी बहनों ने इस सत्र में पूरी सक्रियता के साथ भाग लिया होगा और पूरी बातों को अच्छी तरह से सीखा होगा। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस सत्र को सही प्रकार से समझकर और क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र में निर्धारित कैलेंडर अनुसार इसका संचालन सुनिश्चित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।